हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में। मैं आज बनाऊंगी आलू गोश्त की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आलू गोश्त को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg गोश्त लिया है और ये बड़े का गोश्त है यानी रेड मीट है और इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश भी कर लिया है। इसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है जिसके अंदर मैं 2 tablespoon भर के ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके बाद मैं 3 full-size की कटी हुई प्याज़ ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने एकदम फाइनली कट कर लिया है। और अब मैंने प्याज को ऑयल में ऐड कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक इससे कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल दूर हो जाए। तो 1 से 1.5 minute तक हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 1 teaspoon नमक ऐड करेंगे, 2 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon इसको मसाले में भून लेंगे अच्छे से। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं यहाँ पे 1/2 teaspoon से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। और अब मैं यहाँ पे मसालों को भूनने के लिए पानी ऐड करूँगी। तो मैंने 1 cup पानी यहाँ पे ऐड कर दिया है। मसाले काफ़ी अच्छे से भुन रहे हैं यहाँ पे, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे गोश्त की बोटियाँ ऐड करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे गोश्त ऐड कर दिया है इसके अंदर। गोश्त को बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश करके रखा हुआ था। गोश्त को मसाले में मिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पे गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे 2 glass भर के पानी ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि वो मसालों में मैं डालना भूल गई थी। और अब मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी 2 glass भर के गोश्त को गलाने के लिए। प्रेशर कुकर की लिड लगा दूँगी। गोश्त को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको गोश्त को बहुत अच्छे से गलाना है। प्रेशर कुकर की लिड लगा लूँगी और मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 सीटी आने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 4 कटे हुए आलू फुल साइज़ के हैं और इसको मिक्स कर देंगे। प्रेशर कुकर की लिड लगा लेंगे और 2 whistles आने तक पकाएंगे यानी 2 सीटी आने तक पकाएंगे। 2 सीटी के बाद चेक करेंगे। तो देखिए 2 सीटी के बाद मैं चेक कर रही हूँ, आलू गोश्त बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।